तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएनबी पे के बारे में। सही सुन रहे हैं, बीएनबी पे का मैंने अभी तक केवल एक वीडियो बनाया है, ये है वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज हम लोग आज इस वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि बीएनबी पे में जो 24 घंटे हैं इसमें बहुत उथल पुथल हुई है, इसके मैनेजमेंट में हुई है, जैसा रियोसी के साथ हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं कई सारे टोकन से वीडियो बना रहा हूं और अपडेट देता रहता हूं, कई बार लोग आके मेरे कमेंट में कुछ लिखते हैं, तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टोकन पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं उसको एनालाइज करूंगा और फिर उसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन दबा के शेयर करिए, क्योंकि जो टोकन आपने खरीदा उसका प्रमोशन बहुत जरूरी है और आपसे अच्छा उसका प्रमोशन कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों इस समय हम लोग कॉइन गीको पे बीएनबी पे का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कल 24 घंटे बीएनबी पे के लिए बहुत ही अच्छे तो नहीं कहेंगे, कई सारे बड़ी अपडेट आई है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो एक बार प्राइस देख लेते हैं कि उसका क्या असर दिखा है प्राइस में। प्राइस में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, रीजन बिहाइंड की प्राइस जो है अपने हाई के लगभग लगभग बगल में ही है, लो ये लगा हुआ है। 2% का प्राइस चेंज में रिटर्न आप देख ही रहे हो कि भाई चेंज आ चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 7 दिन में इन्होंने क्या कुछ किया है कमाल, तो कहीं ज़्यादा कुछ कमाल नहीं है। 24 घंटे में अच्छा खासा चेंज आया है, 7 दिन का देख लेते हैं एक बार हम लोग इनका कि 7 दिन में क्या किया। 7 दिन में जाहिर सी बात है अपने लो से हाई पे आ चुका है, ये है इसका हाई और यहाँ पे इसका लो। तो दोस्तों ये अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, बट मैं फिर बता रहा हूँ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 7 दिन में 52% का रिटर्न जो है वो माइनस में है और 30 दिन के उसमें इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब गुड और बैड में देख लेते हैं तो 80% लगभग 79% लोग जो है वो इसको गुड बोल रहे हैं, बाकी सब बैड बोल रहे हैं। मिलने के लिए ये कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ पैनकेक पे। तो भाई इसको इससे मुझे बहुत डर लगता है, मेरा पैसा फंस चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा बच के रहता हूँ। बाकी ऑल टाइम लो से ये 5147% ऊपर चल रहा है और ऑल टाइम हाई से ये 72% करीब नीचे चल रहा है, तो ठीक टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी नीचे कहानी पूरी इसकी लिखी हुई है, इसका लिंक कॉइन गीको पे सभी लोग देखते हो अपना अपना टोकन। तो दोस्तों ट्विटर पे चलते हैं जहां पे बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जिसकी वजह से इसमें हो सकता है कि अभी और गिरावट आए। जो एक्टिविटीज हुई है उसके लिए हमें ट्विटर पे चलना बहुत जरूरी होगा, तो चलिए बने रहिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग इस समय बीएनबी पे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हैं। 24 घंटे में इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं, इस तरह हुई हैं कि हम आपको भरोसा नहीं होगा। जैसा सीवा में हुआ था रियोसी के साथ, इसी तरह इसमें हुआ है शारा के साथ। आप यहां पे आप देखिएगा कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इसमें भी ऐसा हो सकता है। जैसे इन्होंने लिखा है बीएनबी पे इज ऑलवेज लुकिंग अहेड मेकिंग अ नेसेसरी चेंज टू अचीव आवर विजन। The next phase of BNB Pay roadmap is going to be huge. अब ये कह रहे हैं भैया जो हमारा BNB Pay का जो बोलते हैं ना मून मैप बोलते हैं कि था, उसको हमने क्या किया है या रोड मैप हमने उसको थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो BNB Pay वॉलेट था उसको डिले कर दिया है। अब कैसे डिले किया है आप देखो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया हम पहले क्या करेंगे, लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे, दूसरा हम लोग स्टेकिंग चालू करेंगे, तीसरा बीएनबी पे वॉलेट। तो अब ये जाएगा किसमें, यानी चौथा क्वार्टर शुरू हो चुका है इसका, इनके हिसाब से कि भाई अब हम लोग जो चौथा फेज था उस पे लाएंगे। नीचे लिखा हुआ देखिए, कमिंग Q4 2021 नीचे लिखा हुआ है कि विजिट अवर वेबसाइट एंड मोर इन्फॉर्मेशन bnb.io। तो अब इसमें बात करते हैं, ये 4 घंटे पहले की न्यूज है यहां पे। बाकी आप देख ही रहे हो ये सब तो इनका चलता रहता है, कई कई देश में एक्टिविटीज करते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के। दोस्तों अभी देखिएगा 50 मिनट पहले का ट्वीट है, ये लॉन्च क्रश जो है वहां पे जाएं आप देखें कि भाई इसका क्या है, तो वहां पे बुलिश सेंटीमेंट है, यानी लोग लेना चाहते हैं। बट और मेरे भी कमेंट में कई बार लोग आके लिख रहे हैं कि सर ये कहां से खरीदें, कैसे खरीदें, पैनकेक में क्या हो रहा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ किसी में टोकन शो होता है किसी में नहीं होता। और सही बताऊं मैं खुद डरता हूं पैनकेक से बाइंग करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है एक बार मेरा पैसा फंसा आज तक मिला नहीं, तो भाई ऐसी जगह मैं इन्वेस्ट नहीं करता। थोड़ा लेट कमाऊंगा पर सही से कमाना है पूरा डेफिनेटली कंफर्मेशन के साथ। और इसमें एक चीज देखते हैं जो मैंने आपको बोला रियोसी के साथ हुआ, वो यही पे होने जा हुआ है सारा के साथ। चलिए देख लेते हैं एक बार सारा को। तो दोस्तों ये सारा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और मैं आपको बता दूं कि रात में कल करीब करीब 1:15 बजे का टाइम था जब मैं इनसे मतलब देख रहा था ट्विटर को। तो अब आप देखो कि इनके साथ खेल हुआ, खेल कैसे हुआ, जब बीएनबी पे लॉन्च हुआ, ठीक है, यानी बीएनबी टोकन लॉन्च हुआ, तो वो उसका फेज कौन था, सारा थी,
कोई नहीं जानता था। अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने कल रात में बैक टू बैक ट्वीट किया है। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इनका ट्वीट है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया हम जो है स्टेपिंग अवे एज सीएमओ। अब ये कह रहे हैं भैया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट थी ड्यू टू पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, बट बीएनबी पे इज इन ग्रेट हैंड। कहने का मतलब है भैया ये सब हम इस पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं और अभी भी, लेकिन बीएनबी पे जो है सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में है। आई विल स्टिल अमंग द बीएनबी पे फैमिली, मैं इनके साथ बनी रहूंगी। आई स्टिल बिलीव इन 100% जस्ट नो लॉन्गर बी एक्टिंग एज सीएमओ। मतलब भैया मैं इनके साथ बनी तो रहूंगी पर मैं अब सीएमओ नहीं हूं। पर अब इसके आगे समझते हैं कि कैसे बनी रहेंगी, मुझे तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यदि आई विल स्टिल बी इन क्रिप्टो एंड कम्युनिटी, जस्ट नो लॉन्गर वर्किंग BTS विद BNB पे। अब ये कह रहे हैं भैया BNB पे BTS के साथ काम नहीं करूंगा, इसका मतलब नहीं कि मैं इसमें नहीं, मैं इसी मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में ही रहूंगी विद द ग्रोइंग कम्युनिटी। कह रहे हैं नीड टू हैव अ फुल टाइम मार्केटर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मम एंड स्टिल। अब भैया ये कुल मिला के कहानी समझो यार, इसमें जान तो ज्यादा अंग्रेजी समझने की जरूरत है नहीं। ये चुपचाप ये कह रहे हैं भैया, अभी देखो यहाँ पे दो विरोधाभास है दोनों लाइनों में। पहला कि भैया हम क्या करेंगे, बीएनबी पे के साथ बने रहेंगे, क्रिप्टो वर्ल्ड में भी रहेंगे। दूसरा ये कह रहे भैया अपनी मम्मी और अपने काम धाम को ध्यान पे देंगे। अब क्रिप्टो में कैसे ही रहेंगे ये सब करते हुए, ये मुझे मालूम नहीं है, बट ये जो भी इनके होल्डर्स हैं या कहें कि जैसा भी जो कुछ भी है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे खेल हुआ है शारा के साथ। क्यों कम्युनिटी, देखिए होता क्या है, इन्हें टोकन्स में जब आते हैं तो उनके उनके अपने अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं। तो बस मेरा कहना इतना ही है कि एक अपडेट थी, इसके लिए मैंने आपको ये अपडेट दी है। यहाँ पे कहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको बाई करना चाहिए या ये फेक है या नहीं बाई करना चाहिए, मैं दोनों बातें नहीं बोल रहा हूँ। बीएनबी पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिस दिन लिस्टिंग होगा मैं जरूर इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करूंगा, डेफिनेटली करूंगा कुछ भी हो इसलिए। तो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज, ऑफिस मैनेजमेंट या बैकहैंड, जितनी भी टीम वर्किंग स्टाइल होती है किसी भी कंपनी की, तो उसको जरूर हाथ में ध्यान रखें। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर होता क्या है, जैसा हम लोग के साथ लवली में हुआ या कहेंगे किशू में हुआ, सब टोकन आते हैं फिर पैरेलली कोई नया टोकन बना के चले जाते हैं। रियल कॉइन एक आया था, कई सारे यूट्यूबर ने उसमें वीडियो बनाया कि इतना होगा उतना होगा, मैंने उसमें $10 से $12 डाल दिए, वो मेरे पूरे बर्बाद हो गए। आज उसकी कीमत आधे से कम डॉलर पे है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना पैसा सही जगह लगाएं और कम लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।